सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो इन बूफरों के बारे में है कि कैसे आप अपने ख़राब बूफरों को घर में ख़ुद रिपेयर कर सकते हैं। अब ये जो बूफर हैं, हमें इनका पता नहीं कि इनके अंदर क्या ख़राबी है कि जिसकी वजह से ये चलते नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बूफर के अंदर कैसे खुद फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं, उस फॉल्ट को ट्रेस करने के बाद आप कैसे अपने बूफर को अपने घर के अंदर रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इसको रिपेयर करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान। आप अपने घर के अंदर खुद इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप इसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये दोस्तों, ये हमारे बूफर है, लूनार के स्पार्क मॉडल है ये। तो इसका कोई मसला है, ये चलता नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं कि इसमें मसला क्या है, आवाज़ आती भी है या नहीं। सबसे पहले मैं इसे 220 वोल्ट में लगा लेता हूँ। तो लीजिए, बात देख सकते हैं, इसे मैंने 220 वोल्ट में लगा लिया। उसके बाद इसको मैं जो ये स्पीकर है इसके ये कनेक्ट कर लेता हूँ इसकी बैक साइड पर। तो लीजिए, अब उन्होंने कनेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद अब मैं इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करूँगा अपने मोबाइल के साथ। तो ये ब्लूटूथ पे आ गया है। तो ये मेरा मोबाइल है, इसके ऊपर मैं ब्लूटूथ खोल लेता हूँ। आप देख सकते हैं ब्लूटूथ स्पीकर ये कनेक्ट हो चुका है हमारे मोबाइल के साथ। उसके बाद हम इस पर साउंड प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसका मसला ये है कि बेस चल रही है लेकिन हमारे जो स्पीकर हैं राइट लेफ़्ट, उनकी आवाज़ सही नहीं आ रही, उनकी आवाज़ ज़्यादा नहीं है। मैं बेस जैसी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो बेस ज़्यादा निकलती है, ऑडियो छोटी राइट लेफ़्ट की जो है वो कम निकलती है। तो भाई आप चेक करें। अभी आप देख सकते हैं ये बेस फुल निकल रही है लेकिन हमारी राइट लेफ्ट के जो स्पीकर हैं उनकी आवाज़ बहुत कम है। उनकी मैं राइट लेफ्ट स्पीकर की आवाज़ आपको सुनाता हूँ। अभी मैंने बेस बिल्कुल बंद कर दी है, सिर्फ राइट लेफ्ट स्पीकर चल रहे हैं, तो इनके आवाज़ सुन सकते हैं। इनकी आवाज़ बहुत कम है तो इस वजह से इस बूफर, तो इसलिए अब हमने इसे खोल के देखना है कि क्या मसला है कि ये हमारे स्पीकरों में दोनों में राइट लेफ्ट में आवाज़ सही नहीं आ रही। तो अब हम इन्हें खोल लेते हैं और फिर हम चेक करते हैं। तो स्पीकरों को मैंने साइड पे रख दिया है। उसके बाद मैं अपने इसके बैक साइड पे कुछ स्क्रूज लगे हुए हैं तो इनको मैं खोल लेता हूँ। तो लीजिए, अब हमने इसके स्क्रू खोल लेने हैं। उसके बाद आपने इसका बैक साइड खोल लेनी है। तो इसके खोलने के बाद सबसे पहले आपने इसके सर्किट वगैरह को देखना है कि इसका सर्किट किस तरह बना हुआ है, क्या क्या इसमें सामान लगा हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं सर्किट को आपको दिखा देता हूँ। सर्किट आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं है। इसमें सिर्फ दो कैपेसिटर डायोड, कुछ कैपेसिटर हैं, एक मेन बेस के लिए एक आईसी लगा हुआ है। सबसे पहले मैं ये तार लेता हूँ। तो ये ग्रिप मैंने हटा दिया। आप देख सकते हैं एक बेस का आईसी लगा हुआ है 4558। उसके बाद तीन आईसी लगे हुए हैं जो कि दो राइट लेफ़्ट के हैं और एक बेस का है। तो इन दो में हम चेक करेंगे कि कौन से हमारे आईसी, तो इन दो में एक राइट लेफ़्ट के दो स्पीकर, दो इसके राइट लेफ़्ट स्पीकर के आईसी लगे हुए हैं और एक बेस का आईसी लगा हुआ है। तो उसके बाद ये सर्किट है, उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगे हुए। उसके बाद बैक साइड पर देख सकते हैं, तो बैक साइड पर भी इसके पर कोई भी कंपोनेंट वगैरह नहीं लगा हुआ। बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। तो अब हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि हमारे दोनों राइट लेफ्ट स्पीकर जो हैं वो सही काम करने लग जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, एक आम बंदे के लिए जिसको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं पता, उसको बस यही चाहिए कि वो अपने दो आईसी चेंज कर ले। तो वो अब आपको दो आईसी कैसे पता चलेगा कि हमारे राइट लेफ़्ट के दो आईसी कौन से हैं। तो इनके पहचान करने के लिए सबसे पहले आप देखें कि आपका जो बेसर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर हमारा ये बेसर लगा हुआ है, कि इस बेसर की तार कहाँ आ रही है।
तो ये बेसर की तार यहाँ से होते हुए इस सर्किट के अंदर आ रही है। इस सर्किट में से आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग कहाँ जा रही है। ये इस सर्किट में इसकी ये दो तारें इधर से होते हुए इधर इस वाले आईसी में जा रही हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आईसी अलग-अलग लगा हुआ है इन दो आईसी से। तो इसका मतलब ये हमारा मेन बेस का आईसी हो गया। अगर इस तरह भी नहीं आपको पता चलता तो सबसे पहले आप इसका ये ग्रिप लगाएं, उसके बाद उल्टा कर लें इसे, उसके बाद 220 वोल्ट में इसे लगाएं। उस 220 में लोड में लगाने के बाद आपका ये आईसी है, इसकी ये सारे पिन पर टेस्ट करें। यहाँ कोई भी ग्राम नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हमारा बेस का आईसी हो गया। तो इस तरह भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो दो ग्रिप हैं, आपके जो जैक हैं, इन जैक को भी आप आउटपुट में लगा लें अपने राइट लेफ्ट के। उसके बाद अपने दोनों स्पीकरों के भी चेक कर लें ग्राम भी। आप देख सकते हैं दो स्पीकर मेरे साथ पड़े हैं, उसके बाद मैं दोनों स्पीकर भी चेक करता हूँ। तो इधर टच करता हूँ तो मेरा ये वाला स्पीकर चलता है, तो ये टच करता हूँ तो मेरे ये स्पीकर चलता है। इसको मतलब मेरे ये दो आईसी हमारे राइट लेफ्ट स्पीकर के हैं। तो इन दोनों आईसी को मैं उतार लेता हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर नए लगा देता हूँ। चलिए, अब हमने इसे अच्छी तरह सोल्डर कर दिया है। सोल्डर करने के बाद इस शक्कर के ज़रिए मैंने इसके अंदर से सारा सोल्डर बाहर निकाल दिया, ताकि इसकी लेग्स में से सोल्डर ख़त्म हो जाए और अब हम इसको स्क्रू खोल के आईसीज को तब निकाल लेते हैं। उसके बाद नट खोलने के बाद को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो लीजिए, बात दे सकते हैं हमने इसके अंदर से सारी जगह क्लियर कर दी है। उसके बाद अब हमने चेक करना है कि इसके अंदर आईसी कौन से लगे हुए थे। तो बात दे सकते हैं इसके अंदर जो आईसी लगे हुए थे वो TDA 2030 लगे हुए थे। तो अब हमने इसकी जगह नए TDA 2030 लगाने हैं। तो मेरे पास ये नई TDA 2030 आईसी है, तो इनको मैं लगा लेता हूँ। तो लीजिए, अब हमने इसे सोल्डर कर दिया है। उसके बाद हम बाकी इसकी तारें वगैरह लगा के इसको वापस फिट कर देते हैं। तो लीजिए, अब हमने इसको फिट कर लिया। उसके बाद हम इसकी आउटपुट वाली वायर्स लगा लेते हैं। तो लीजिए, अब मैंने इसको मुकम्मल फिट कर लिया है, सारी हमने सेटिंग वगैरह कर ली है। उसके बाद मैं इसे ऑन करके इसका साउंड वगैरह चेक करते हैं। तो लीजिए, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्स लिखा आ गया, इसके बाद हमारा जो बुफर ऑन हो चुका है। उसके बाद मैं इसको ब्लूटूथ मोड पर ले आता हूँ। ब्लूटूथ मोड पर आ गया, इसके बाद मैं अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो लीजिए, अब आप देख सकते हैं ये मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं इस पर कुछ साउंड प्ले करता हूँ। अभी बेस और स्पीकर दोनों चल रहे हैं। अभी मैं बेस बिल्कुल बंद कर देता हूँ, क्योंकि हमारे जो स्पीकर थे उनमें मसला था, राइट लेफ्ट नहीं चलते थे। तो मैं स्पीकर चेक करवाता हूँ। का मतलब आप देख सकते हैं आईसी चेंज करने से हमारे दोनों जो राइट लेफ्ट के स्पीकर हैं वो दोनों सही हो गए हैं। उसके बाद हमारी बेस भी बेहतरीन काम कर रही है। अब साउंड चेक कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, आप इस तरह अपने घर के अंदर किसी भी बूफर ख़राब को अपने खुद घर में रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई आपके घर में ख़राब बूफर है या हो जाता है, तो आप उसको मैकेनिक को देने के बजाय आप अपने घर में खुद रिपेयर कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आज इस वीडियो के अंदर अपने बूफरों को रिपेयर किया है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।